खेती में प्रयोग होने वाला लिक्विड होता है, तो जिसमें आपके खेत में अलग अलग कीड़े लग जाते थे वो नहीं लग पाएंगे। अफसोस इस बात का है कि एक नॉर्मल सी टेक्नोलॉजी है, एक रिवोल्यूशन अगर एग्रीकल्चर के सेक्टर में आएगा। अब खेती में प्रयोग होने वाला लियोर एक बहुत अच्छा होता है। लियोर एक लिक्विड होता है, सुगंधित पदार्थ होता है, उससे सुना मेल कीड़ों को अट्रैक्ट कर देता है। लियोर करके एक लिक्विड आता है, वो खेत में ना क्या किया जाता है ना, टांग दिया जाता है। जैसे ये ऐसे बाल्टी एक टब में पानी रख लीजिए, इसके ऊपर एक ऐसे मान के चले डंडा का इसको धंसा के इसमें लटका दीजिए लियोर, ठीक है, और इसमें एक लाइट बांध दीजिए, ट्यूब छोटा सा, एगो 5 रुपये वाला बल्ब, भुकभुकवा नहीं होता है, लेजर लाइट वाला टाइप का कुछ कुछ खिलौना वालौना में रहता है, घड़ी वाला, पेंसिल बैटरी ये वाला लगता है छोटका छोटका दुगो, रात में टांग दीजिए और जलते रहेगा, उससे कीड़े आते रहेंगे, आई नीचे पानी भर दीजिए। ये लियोर जो होता है ना, ये सुगंधित पदार्थ होता है और ये मेल कीड़ों को आकर्षित कर देता है। जो फतिंगा उड़ते हैं सब ना, उसमें मेल को कि उसको लगता है ना उसका सुगंधित ऐसा रहेगा, उसको लगेगा फीमेल है इधर कोई। अब उस ससुरा मेल कहेगा तो हमरी वाली लग रही है, चलिए तो लियोर की ओर कौन आकर्षित होते हैं, मेल की फीमेल। अब उस ससुरा गया मेल यहां पर, अब उसे इधर उधर खोजेगा, कहां है, नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है, और जहां गया है इसका पनिया में पैरवा सटेगा थोड़ा, नहीं इधर उधर नहीं देखते आप, एक तो रोशनी जला देंगे तो अपने से आ जाएगा, इधर चक्कर पकड़ करेगा वहां पे नीचवा गिर जाएगा यहां पे। और देखिए जानवरों में क्या होता है ना, फीमेल ज्यादा होती है, मेल बहुत कम पाए जाते हैं। अब होता है कि नहीं होता है, अरे हला नहीं कर, अरे गधो समझो इधर, यहां पे तो कीड़े मकोड़े में ना मेल की संख्या क्या होती है, कम, और फीमेल की संख्या ज्यादा। अगर कुल मेल मार दिए, हाँ कुल मेल मार दिए तो फीमेल ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, मर जाएंगे। तो सारा खेल किस चीज पे मारने पे, मेल। इसीलिए हम कहते हैं पुरुषों पे इतना अत्याचार हो रहा है कि ये सब कोरोना वरोना सब आ जा रहा है, ये इतना। तो लियोर जो होता है किसको आकर्षित कर देता है, मेल को, मेल यहाँ के मर जाता है, और एक दो तो सब जरा मेल कम और पैसे मर गया, तो ये जो फीमेल रहेंगी, अब इनका रिप्रोडक्शन साइकिल बहुत, कोरोना हो गया, छोटे कीड़े मकोड़े हो गए, मधुमक्खी छोटे जीव, बड़ी तेज रिप्रोडक्शन साइकिल होता है इन लोग का, एक मच्छर घुसेगा पूरा अपना देखते देखते अपना पूरा पुलिस स्टेशन बना लेता है, और उसमें अपना सीईओ दरोगा सब बन जाता है सब। तो ये सब बड़ी तेजी से अंडा देते हैं सर, लियोर लगा देंगे, मेल मर गया, अब रिप्रोडक्शन साइकिल रुक गया, तो जिसमें आपके खेत में अलग अलग कीड़े लग जाते थे वो नहीं लग पाएंगे। अफसोस इस बात का है कि एक नॉर्मल सी टेक्नोलॉजी है लेकिन गांव तक ये चीज नहीं पहुंची है। तो गांव में क्या, अब बैगन बोएगा, जब तोड़ने जाएगा ना तो उसमें एक छोटा सा सुराख दिख जाएगा उसको पूरा। अगर किसी खेत में, अमूमन अगर यूपी बिहार का किसान है या जो भी नॉर्थ इंडिया के किसान, जो किसान ट्रेडिशनल खेती कर 100 किलो बैगन हुआ है ना, तो उसमें से कम 20 किलो में कीड़ा निकलेगा उसका, वही 20 किलो उसका मार्जिन था। 100% किसी चीज में प्रॉफिट थोड़ी होता है, किसी दुकानदार ने 100 रुपये का सामान बेचा तो 100 रुपया थोड़ा ना प्रॉफिट है उसका, अरे 20-30 रुपया प्रॉफिट होगा, और वही उसका निकल गया उसमें, तो 20-30% फसल खराब, कीड़े खा जाते हैं सब। और हर किसान का कम से कम 10% फसल बाजार में ना बिकने के कारण, या पहले ही तोड़ लेने या जरूरत से पहले पक जाने के कारण वेस्ट हो जाता है। तो जो भी किसान का प्रॉफिट है वो नहीं हो पाता है। बस किसान को प्रॉफिट ये लगता है कि धीरे धीरे लगाए थे, कभी खेत खाद के लिए थोड़ा सा पैसा, बीज के लिए थोड़ा पैसा, दवाई के लिए कुछ, और निकल गया एक के बार में। तो अभी इंडिया की जो किसान है वो लगा, उनका एक सिंपल सा उनका पूरा मॉडल ही जीवन स्तर उनका क्या है, धीरे धीरे पैसा लगाओ, कमो बैस उतना ही पैसा एक बार में निकाल लो, पता ही नहीं चल पाता उन लोगों को यहाँ पर। तो इसको भी और जागरूक, आप लोग जो खेती करते होंगे वो लोग लियोर का यूज करिएगा, आप लोग समझा गया कि नहीं, समझा गया, भले थोड़ा पाप पड़े मर जाएगा बेचारा सब यहाँ पे। तो वो भी एक तरह का क्या है, कीटनाशक ही है, क्या है कीटनाशक। अगर एक ट्रैप भी आता है, जो ट्रैप तो सब लोग को यूज करना चाहिए, ट्रैप जो होता है ना एक इतना बड़ा, अरे ऐसे रहेगा पेज की तरह, कार्डबोर्ड की तरह रहेगा पेज, जैसे ये ना पीडीएफ ट्रैप ऐसा ही रहेगा, ठीक है, इसको सुराख करके खेत में टांग दीजिए बस। इसमें ना ब्लू कलर का रहता है, ब्लू या तो येलो कलर का,
कीड़े दो कलर पे बहुत तेजी से आते हैं, येलो कलर पे और ब्लू कलर पे। तो उसको खेत में टंग दीजिए, इस पे क्या रहेगा, चिपका गम लगा रहेगा, गम चिपचिपा, और ऐसा गम रहता है ना जो जल्दी सूखता नहीं है। ई बकलवा रंग देख के आता है, चपाक से इसी पे चिपक जाता है, जा सब सटले रह जाएगा यहाँ पे। तो ट्रैप का यूज करना चाहिए, ल्यूर का यूज करना चाहिए। पीला होता है सर? हाँ पीले रंग का होता है, हम तो अभी खेत में ही है सर। तो लगा दो तुम ये वाला ल्यूर वाला यहाँ पे, रात में लाइट जला के दम उड़ा के रख दो यहाँ पर। और भी बहुत सारे चीज आते हैं, रात के समय अलग कीटनाशक डाला जाता है, दिन के समय अलग वहां पे। तो खेती में बहुत सारे चीजों की ट्रेडिशन चेंज करने की जरूरत है। एक रिवोल्यूशन अगर एग्रीकल्चर के सेक्टर में आएगा तो बहुत ज्यादा किसानों को फायदा हो सकता है, लेकिन इनको कोई नहीं ध्यान देता और ना ही किसान इस पे ध्यान देते हैं। उनको चाहिए कि हमारे खेत में 4,000-5,000 सरकार की ओर से सब्सिडी आ जाए। अरे तुम आगे बढ़ो ना, सरकारें को दे देना 4,000-5,000, लो खेत में बैगन हुआ था। बात समझिए, जीवन में हम आपको, आप बताइए कभी भी आप किसी से कहना बैसाखी किसी सहारा लेने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि सहारा लेके कब तक चलेंगे, जब तक आप खुद के पैरों पर नहीं खड़े होंगे ज्यादा देर तक तो नहीं जा सकते। तो किसान लोग को भी नहीं समझ